खुले में शौच मुक्त करने को भले ही जिला उपायुक्त को पीएम मोदी द्वारा सम्मानित किया गया हो, लेकिन मिलेनियम सिटी में खुले शौच की तस्वीरें इस कागजी हो चली है। ये जमीनी हकीकत को बयान कर रही है। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद के घर के बिल्कुल पास की है, जहाँ टॉयलेट तो है लेकिन सफाई व्यवस्था न होने के चलते लोग खुले में शौच के लिए मजबूर है। अनिल कुमार, शौचालय में ताले लगे हैं और बाहर शौच करने मजबूरन जाना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? भाई ताला लगे हुए है तो मजबूरन तो जाना ही पड़ेगा बाहर। नाम बताएं अपना। पूजा। पूजा, यहाँ पर टॉयलेट तो बना हुआ है, उसमें ताले लगे हुए हैं, तो आप कहाँ जाते हो? बाहर जाते हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा दिक्कत सामना करना पड़ता है, क्या करे, मजबूरन कारण जाना पड़ता है हमारे को बाहर लेटरिन। रामदेश बताएं कि आप टॉयलेट कहाँ जाना पड़ रहा है आपको? टॉयलेट तो हम जंगल जला लेडीज जो बेचारी वो भी परेशान होती हैं। इसकी मुख्य वजह तो मुझे लगता है शायद लोगों की आदत है, आप उनको कितना भी साफ रखें उनको गंदे होने की आदत होती है, पर कहीं कहीं कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे मोबाइल टॉयलेट्स भी हैं, हमारे जो हैं स्थायी टॉयलेट्स भी हैं, और लोगों को हम इंकरेज भी करते हैं कि वो वहां जाके काम करें। हमारी टीमें लगातार वहां सफाई का काम भी कर रही हैं, तो सोच तो यही है कि सब लोग शौचालय में जाएं, हमारी मोबाइल टॉयलेट्स हैं वहां पे भी वो लोग उनको यूज कर सकते हैं। इसलिए जैसे पानी की कमी हो जाती है जेंट्स की तरफ, लेडीज की तरफ पानी रह जाता है, जेंट्स की तरफ पानी कमी होता है, इसलिए थोड़ा उधर सफाई में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों नहीं रखी? दो साल गुजर चुके हैं, नगर निगम ने बनाया तो ये अभी बद्री विशाल प्रोटेक्शन एंड कंपनी को अभी मिला है। अच्छा, वो अभी जैसे पूरा साफ सफाई करवा रहे हैं। लेकिन अभी तक बाजार में तो हजारों लोग, महिलाएं भी आती हैं जी, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं, महिलाओं को सुविधा है, सारा सुविधा है, जेंट्स में थोड़ा इस टाइम के बाद पानी की दिक्कत हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होते हैं प्रदेश की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।